हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए एक और धमाकेदार खबर लेके आ गया हूँ भाई। एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जबरदस्त भर्ती है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस भर्ती की वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो अब दोस्तों देख लेते हैं भर्ती के बारे में डिटेल से कि कहाँ पर ये भर्ती निकली है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या उम्र है, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप में से कोई भी साथी HSSC CET की तैयारी करना चाहता है, दोस्तों CET में आपके सारे सब्जेक्ट है ना ऐसे हैं जो आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे देना, कोई भी एग्जाम दे देना, उसमें ये सब्जेक्ट जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों, नाम CET है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए कोर्स हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? टीम दोस्तों ऐसी है, या तो टीचर गवर्नमेंट जॉब में है, या उनका एक्सपीरियंस फुल है, या दोस्तों बार बार एग्जाम जिनने दिए हैं, एग्जाम क्रैक करे हैं, वो मैंने टीम शामिल करी है इस कोर्स के लिए। आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर वाली बात तो नहीं है ना? तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में डिटेल से। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है? राजस्थान में ये दोस्तों भर्ती निकली है, राजस्थान में ये भर्ती निकली है, राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी। तो पोस्ट का नाम है भाई टेक्निकल हेल्पर। क्या नाम है? टेक्निकल हेल्पर के पदों पे ये भर्ती निकली है आपकी, ठीक है? इसके अंदर 1512 वैकेंसी है दोस्तों। क्या है? 1512 वैकेंसी है, इसमें 19,200 रुपए क्या है आपको दोस्तों सैलरी दी जाएगी, 19,200 रुपए। जॉब लोकेशन राजस्थान रहेगी भाई, जॉब लोकेशन राजस्थान रहेगी, और गवर्नमेंट जॉब है ये, सरकारी नौकरी है, ठीक है? इसके जो फॉर्म है ना 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 9 फरवरी से, लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी। क्लियर है जी? ठीक है, और 28 फरवरी लास्ट डेट है। आगे देखिए, यहां पे हम फीस की बात कर लेते हैं भाई, क्या फीस रहेगी? तो जनरल कैटेगरी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है उनकी 1200 रुपये है, बाकी सभी की 1,000 रुपये फीस है, बाकी सभी की 1,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन आपको फीस भरनी है। यदि एज की बात करें तो 18 से 23 साल दोस्तों एज है, एज में जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज वो छूट राजस्थान के लोगों को दी जाएगी, ठीक है? पोस्ट का नाम है टेक्निकल हेल्पर, टोटल वैकेंसी 1512। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? आईटीआई पास होना चाहिए, आईटीआई पास, या तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, या लाइनमैन ट्रेड में, या एसबीए में, या वायरमैन में, या पावर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, इनमें से कोई भी ट्रेड आपके पास है तो आप टेक्निकल हेल्पर 2, ठीक है? ये जो भर्ती निकली है 1512 पोस्ट के लिए राजस्थान में, आप आवेदन कर सकते हैं यदि इनमें से कोई भी ट्रेड आपके पास है तो। और दोस्तों, शुरू में आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड के रूप में रखा जाएगा, तब आपकी सैलरी रहेगी 13,000 रुपये, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 19,200 रुपये, ठीक है जी? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई? सबसे पहले दोस्तों एक CBT एग्जाम होगा, ठीक है? वो केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको। जो बच्चे उस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनको क्या है, एक मेंस एग्जाम होगा 150 नंबर का, ठीक है? जो बच्चे यहां पे पास हो गए ना
जितने भी बच्चे पास होंगे उनको ये एग्जाम देना है, और इसके बेस पे क्या है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये लिस्ट एग्जाम हो गया, मेन एग्जाम हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम, आपका सिलेक्शन डन। क्लियर है जी? और दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ऑनलाइन आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो इसमें जो आपका प्री एग्जाम होगा, जो प्री एग्जाम होगा इसमें क्या क्या आएगा, तो एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, राजस्थान जीके 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, टेक्निकल नॉलेज आईटीआई रिलेटेड, यानी कि भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वायरमैन थ्योरी, ठीक है, आईटीआई में जो आपने पढ़ी है ना थ्योरी, उसमें से प्रश्न आपके आएंगे। और दोस्तों मेन रोल आपका इसी का है भाई, मेन रोल आपका इसी का है, जिसको राजस्थान जीके आती होगी, जिसको आईटीआई में अच्छा ज्ञान होगा अपनी ट्रेड का, दोस्तों वो बच्चा क्या कर लेगा, यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज जो आपने आईटीआई में पढ़ाई करी है उसकी नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए दोस्तों अपना ऐप है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन, क्या है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन, ये अपने ऐप का नाम है भाई। यहां पर मैंने पूरी की पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, लगभग दोस्तों 105 घंटे का कोर्स है, 105 घंटे का कोर्स है, वीडियो में साथ में पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, ठीक है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों यहां पे, ठीक है। आगे देखिए यहां पे दोस्तों जो आप ये जो पहला एग्जाम होगा, वैकेंसी है 1500 वैकेंसी मान लेते हैं, वैसे तो ज्यादा है, 10-20 वैकेंसी ज्यादा है, 1500 वैकेंसी मान लेते हैं। जो पहला एग्जाम होगा उसमें तो भाई 10 लाख फार्म भरेंगे, 15 लाख फार्म भरेंगे, सभी को एग्जाम देना है। लेकिन जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि मेन एग्जाम के लिए वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि प्री एग्जाम तो 10 लाख ने दिया, फिर बच्चे पास हुए कितने, 15,000, 15,000 बच्चों का अब मेन एग्जाम होगा। क्लियर है जी यहां तक? मेन एग्जाम में क्या है भाई, यहां पे जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भाई वही नाम मात्र है, 30, 40, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस है। बाकी जो आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बच गई वो आपकी दोस्तों क्या है, 100 नंबर की है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बच गई वो आपकी क्या है, 100 नंबर की है दोस्तों। वहां पे परी में 50 नंबर की है और यहां पे 100 नंबर की है। तो दोस्तों जो मैंने आपको कोर्स बताया ना 105 घंटे का, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बिल्कुल डीप में, बिल्कुल डीप में करवा रखी है मैंने केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे टीचर के द्वारा, विजय सर के द्वारा, ठीक है। तो वो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना, डेमो देख लेना, आपको पसंद आए तो आपके लिए वो चीज रामबाण साबित होगी दोस्तों, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है भाई 9 फरवरी से, ऑनलाइन फॉर्म भरना है 9 फरवरी से। जो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ना वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा भाई, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 28 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती आपके लिए राजस्थान में, आप आवेदन कर सकते हैं, आप कहीं से है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और कोर्स ज्वाइन करना है तो भाई डेमो देख लीजिए कि केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे, के केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप का जो लिंक है ना डाउनलोड करने का, वो आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आइए, अपना अकाउंट बनाइए, एक बार डेमो देख लीजिए आप फ्री में,
डेमो देखिए, आपका दिल करे तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन आपको दोस्तों ये आईटी की जो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी है ना, वायरमैन की जो थ्योरी है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप राजस्थान के हैं राजस्थान जी की आपको आती होंगी, बाकी आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।